दोस्तों, आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम होता होगा जब आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो या तो आधार कार्ड बनवाना हो, तो आपको लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं किसी भी आधार सेवा केंद्र पे जाने के बाद। तो हो सकता है वहाँ पे काम हो जाता ही एक दिन में या तो नहीं भी हो पाता है, क्योंकि एक आधार कार्ड केंद्र पे आपको 35 से 40 लोगों का ही आधार कार्ड बनाया जाता है और वहाँ पे सुधारा जाता है। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर यदि आप अपडेट कराना चाहते हैं और अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल फ्री में आपको बनवाने का यहाँ पे मैं रास्ता बताऊंगा और आपको कहीं भी भीड़ भाड़ में इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 से 15 मिनट के अंदर ही अपना सारा काम करवा के आ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, यहाँ पे जैसे आप लोग अपने गांव में या तो मार्केट में जाते हैं तो आपको एक आधार कार्ड बनाने का चार्ज किया जाता है, और मैं तो देखता हूँ कि कुछ एरिया में 400-500 रुपये तक यहाँ तक चार्ज ले लेते हैं, जो कि आपका आधार कार्ड बिल्कुल फ्री में बनाया जाता है, बिल्कुल चार्ज नहीं लगता है। और वैसे ही आप मोबाइल नंबर अपडेट कराने जाते हैं तो आपके पास 100 से 200 रुपये का चार्ज किया जाता है। तो इन सारा चीज़ से बचने के लिए आपको मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा, आपको वहाँ पे 1 रुपये पैसा भी देना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब जहाँ भी आधार सेवा केंद्र में जाते हैं, नामांकन केंद्र में जाते हैं, वहाँ पे आपको बहुत लंबी भीड़ का सामना करना पड़ता है। या तो आप लोक सेवा केंद्र में जाके आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ से आपको भीड़ से बचने के लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, जो कि आप अपना घर बैठे वो भी 10 से 20 मिनट में बनवा सकते हैं। तो देखिए, आपके घर पे यदि डाकिया जाता है, पोस्टमैन जाता है, तो आप उनसे बनवा सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली उनको ट्रेनिंग दिया गया है और उनको एक किट दिया गया है जिससे वह आधार कार्ड बना भी सकते हैं और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा ज़रूर आप, कि आप सिर्फ अपने बच्चे का ही आधार कार्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि वह भी 0 से 5 साल का यदि आपका बच्चा है तभी आप आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस में जाके बनवा सकते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति का जो आप मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं, तो कितना भी एज हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, मोबाइल नंबर अपडेट पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कर दिया जाता है यदि आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं करवाते हैं। तो बहुत से लोग काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि इन छोटी छोटी बातों के अभाव में उनको जानकारी नहीं होती है, इसलिए लंबी लंबी लाइनें आपको लगाना पड़ता है। तो आप अपना यदि अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन से संपर्क कीजिए और वहाँ से पूछिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं आधार कार्ड में, तो सारा चीज़ आपका प्रोसेस बताएगा और बुलाएगा। जब बुलाता है आप वहाँ पे करवा लीजिए। और अपने बच्चे का यदि 5 साल से ऊपर यदि कोई बच्चा है, यदि उनका आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो उनका आधार पोस्ट ऑफिस से नहीं बन सकता है, लोक सेवा केंद्र में आपको जाना पड़ेगा, जहां आपका संभाग यानी आपका जहां पे डिस्ट्रिक्ट का है, ब्लॉक होता है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा और वहीं से आप बनवा सकते हैं और वहां से आप मोबाइल नंबर पोस्ट ऑफिस में अपडेट करा सकते हैं और 0 से 5 साल तक के बच्चे का आधार कार्ड आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि सही लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा।